अगर आपका भी हाफ ईयरली एग्जाम बर्बाद हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है और आगे समझ नहीं आ रहा है क्या करें, होपलेस फील कर रहे हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 3 मंथ की भयंकर स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं सर। साथ में टाइम टेबल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ भी दूंगा, जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हो आपके 95 से ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। साथ में सीयूईटी के लिए भी बताऊंगा आपको क्या करना है और कहां से करना है, स्ट्रेटेजी मटेरियल सब चीजें इस वीडियो में इन डेप्थ बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अपने बारे में बताऊं तो यार, माय नेम इज हर्ष एंड करंटली आई एम परसुइंग मास्टर्स इन केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। और अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि यार आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कितना वेटेज है, ताकि हम एक बढ़िया सा आइडिया लगा पाए। तो यार देखो, टोटल आपके 16 चैप्टर हैं सिलेबस के अंदर, जिसमें से 6 चैप्टर सीबीएसई बोर्ड के अंदर नहीं है, सॉलिड स्टेट, पी ब्लॉक, सरफेस मेटलर्जी और पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 6 चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, अदर बोर्ड्स में है और सीयूईटी के अंदर भी ये 6 चैप्टर इंक्लूडेड है। तो आपको इन 6 चैप्टर को भी करना ही है जो सीयूईटी देने वाले हैं, और नीट जेईई दे ही रहे होते हैं तो आपको भी इनको करना ही है। सबसे पहले मैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहां पे 23 मार्क्स का आपका फिजिकल केमिस्ट्री रहेगा, 14 मार्क्स का आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा और 33 मार्क्स का आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें 5 चैप्टर आपके इंक्लूडेड रहेंगे। तो यार सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपको इनको करना कैसे है। यार बहुत सबसे मेन अप्रोच है कि स्ट्रेटेजी क्या है। तो यार स्ट्रेटेजी ये है कि एनसीईआरटी से करना है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी सीयूईटी वाले बच्चों के लिए और बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए एक बाइबल का काम करती है। एनसीईआरटी टॉपर का अमृत है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि अमृत आपको कैसे पीना है। तो यार देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, एक वे होता है, एक तरीका होता है आपको हर एक पार्ट को करने का। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं और मैं आपको कहूं आपको एनसीईआरटी कंप्लीटली रीड करनी है थोरली, तो फिर वो बकवास होगी, उसका कोई मीनिंग नहीं है। बट फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको कैसे करना होता है, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक आपका थ्योरी पार्ट, एक आपका फॉर्मूला शीट और तीसरा आपका न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन वाला पार्ट। अब यार आपके पास ना एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। शर्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है यार। फॉर्मूला शीट और यूनिट सारी तीनों चैप्टर की आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। दूसरी बात, कॉन्सेप्चुअल नोट्स होते हैं। एक होता है कि आपने ना एनसीईआरटी से पढ़ोगे या फिर क्वेश्चंस लगाते हो, तो उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है 4, आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्वेश्चन आ जाता है भाई, इलिवेशन, डिप्रेशन, इनसे आपका ग्राफ पूछ लिया जाता है, इनकी यूनिट्स पूछ ली जाती है, डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है आपसे, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट की, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की, वो सारी चीजें भी आपका कॉन्सेप्चुअल नोट्स के अंदर इंक्लूड होता है। तो 3 पार्ट्स में है, सबसे पहले फॉर्मूला शीट्स और यूनिट्स पूरी आप डाउनलोड कर लेना। दूसरा, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नोट्स चाहिए, जो कि मैंने बनाए हुए तीनों चैप्टर के कलरफुल, जिसके अंदर ग्राफ्स, यूनिट्स, आपके न्यूमेरिकल्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब इंक्लूडेड है, डिफरेंसेस, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सब इंक्लूडेड है, एक कलरफुल नोट्स है, और इतना मिनिमम प्राइस ओनली 49। एक चैप्टर के आपको 49 रुपीज देने होंगे, जिसके अंदर आपको 3 चैप्टर मिल जाएंगे 149 रुपीज के अंदर। तो आपको अगर लेना है तो आपको एक कॉन्टैक्ट यहां पे दिख जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। तो ये आप खुद भी बना सकते हो, जरूरी नहीं आपको लेना है, आप खुद भी बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, वरना आप परचेज भी कर सकते हो। उसके बाद यार न्यूमेरिकल्स आपको करने होते हैं एनसीईआरटी से। अब एनसीईआरटी के जो इंटेक्स के हैं, जो आपके बैक एक्सरसाइज के हैं, इनको करने के बाद, फॉर्मूला शीट को करने के बाद, आपको ये न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से करने हैं, ना कि थ्योरी। थ्योरी आप खुद के नोट्स बना सकते हो या मेरे नोट्स ले सकते हो, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको दे रहा हूं। अब ये हो गया भाई फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, इस तरह से आपको करना है। और जेन्युइनली बच्चों ने ये नोट्स मेरे फॉलो करे हैं, जिनके 95 प्लस मार्क्स आए हैं लास्ट ईयर भी और उससे लास्ट ईयर भी, पिछले 3 साल से मैं बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ा रहा हूं। तो उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आ जाऊं, तो इनऑर्गेनिक के अंदर आपको क्या अप्रोच रखनी है, 2 ही चैप्टर है यार सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो, इसमें थोरली रीडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, रिएक्शंस हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर एक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मिस मेटल है, उसकी एप्लीकेशंस हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेशन के अंदर 3 आपकी थ्योरीज हैं, ठीक है, उन सबको आपको करना होता है। अब हालांकि मैंने कोऑर्डिनेशन और डी एंड एफ को एनसीईआरटी थोरली मैंने रीड करके अपने एक परफेक्ट नोट्स आपके लिए बना रखे हैं, जो कि मतलब ऐसे हैं कि उसमें 2 पेजेस नोट्स भी बना रखे और कंप्लीट नोट्स भी, क्योंकि यार कई बार होता है कि पेपर कल है तो कैसे करेंगे, तो मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स डिजाइन करे हुए हैं, और शॉर्ट
वन शॉट भी कराया हुआ मैंने, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो यार इनऑर्गेनिक को थोरली रीड करना पड़ता है, अगर आप खुद रीड करना चाहते हो वेल एंड गुड है। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स और प्रॉपर नोट्स भी बना रखे हैं, उनको भी आप ले सकते हो, सेम वन सिर्फ 49 रुपीज प्राइस रहेगा। अब इनऑर्गेनिक के लिए अप्रोच बताऊं तो यार आपको ना रीडिंग करो और नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि ना बहुत सारी चीज अगर पूरे पूरे नोट्स बना लोगे तो नहीं कर पाओगे। शॉर्ट नोट्स बना लो जिसके अंदर जैसे रिएक्शंस है वो वाला पार्ट भी लिख लिया, एप्लीकेशन वाला पार्ट लिख लिया, उसके DNF ब्लॉक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड कलर है, एप्लीकेशन है, वो सब एक शॉर्ट नोट के अंदर इंक्लूड कर लिया। और साथ में इनऑर्गेनिक के लिए बोलता हूँ प्रीवियस ईयर्स भी कर लेते हो तो भी इनफ है, दो ही चैप्टर है, प्रीवियस ईयर्स भी अच्छे से कर लेते हो तो भी इनफ है, और थोरली कर लेते हो तो CUET के लिए भी डन हो जाएगा, आपका नीट के लिए भी डन हो जाएगा। तो ये थी भाई इनऑर्गेनिक के लिए अप्रोच। अब आ जाते हैं यार आपका मेन सबसे जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे करना है, देखो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके ना 6-7 पार्ट होते हैं, आपको बता देता हूँ। पहला IUPAC नेमिंग, दूसरा आपका नेमिंग रिएक्शन, तीसरा आपका कन्वर्जेंस होते हैं, फिर आपका केमिकल टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपका ABCD वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपसे एक तो होता है जिसमें आपको बोलते हैं कि इसमें ये डाला ये बना, इसमें ये डाला ये बना, पूरा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन होता है, 4 ABCD पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपसे ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना और ABCD पूछ लेते हैं आपसे। तो दो तरह के आपके ABCD वाले क्वेश्चन होते हैं, IUPAC नेमिंग होता है, रीजनिंग होता है, ये कुल मिला के आपका ऑर्गेनिक का पार्ट होता है। अब ध्यान से सुन लेना क्या बोलने वाला हूं, नेमिंग रिएक्शन ट्रिक से करा दूंगा, कन्वर्जन चार्ट से करा दूंगा, रीजनिंग कॉन्सेप्ट से करा दूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपका पानी बना दूंगा। लास्ट ईयर और ऑर्गेनिक के अंदर मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि ऑर्गेनिक को ना पानी कैसे बना के देना है आपको। तो उसके लिए यार सबसे पहली बात तो यह है कि नेक्स्ट मंथ मेरा कोर्स आने वाला है, जो कि एक मिनिमम प्राइस के अंदर होगा, जिसके अंदर मैं आपको जो 5 चैप्टर है आपके 33 मार्क्स की गारंटी दूंगा, 33 मार्क्स की गारंटी, और ऐसे डिजिटल नोट्स आपको देने वाला हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पर ढूंढते रहना कोई नहीं देगा, पैसों में भी, ठीक है। तो ऐसी चीजें देखो, कई होता है ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें नहीं करनी होती, जो इंपॉर्टेंट है जिसमें पेपर से आएगा वो करना होता है, और CUET और क्लास 12th दोनों में उसी से ही आएगा जो मैं आपको करवाने वाला हूं। मेन बात बताऊं तो यार आपको ये जो 4 चैप्टर्स है ना, IUPAC नेमिंग सबसे पहले उठा लेते हैं बच्चे, जो बेवकूफी है तो वो नहीं करना है आपको, नेमिंग रिएक्शन और ये सारी चीजें करनी है। अभी आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो आपको यहां पे शो हो रही होगी ऑर्गेनिक की, जिसके अंदर नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जेंस, केमिकल टेस्ट इंक्लूड करने की कोशिश करी गई है। साथ ही मैं आपके ये जो ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर है, 5ों के मैं वन शॉट डाल रखे हैं, 5ों के वन शॉट और शॉर्ट टेस्ट वन शॉट, कोई किसी ने नहीं डाला होगा 30 मिनट के अंदर, और आप ढूंढने लगोगे ना कि कुछ छोड़ा तो नहीं है, तो आप ये पाओगे कि कुछ भी नहीं छूटा हुआ, ठीक है। तो आप वन शॉट्स और जो मेरी प्लेलिस्ट और यानी कि वो देख सकते हो, और अगर आपको मेरे नोट्स परचेज करने हैं जो कि डिजिटल, मतलब ऐसे नोट्स मैंने खुद भी पहले नहीं बनाए हैं, इसी बार फ्रेश बनाए हैं, लास्ट ईयर भी बहुत बढ़िया नोट्स बना रखे हैं ऑर्गेनिक के, बट इस बार कुछ कमाल ही कर दिया है भाई, ठीक है। तो अगर आपको वो नोट्स खरीदने हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसमें 5ों चैप्टर के नोट्स होंगे, और अगर आप मेरे से पर्सनली क्लासेस भी लेना चाहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो भी आपके लिए अवेलेबल है पर्सनलाइज क्लासेस, आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये तो ऑर्गेनिक का पोर्शन है, प्लेलिस्ट से कर लेना अभी तक, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो प्लेलिस्ट से कर लेना, डोंट वरी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई भाई कैसे क्या करना है। अब स्ट्रेटेजी को लाके अब बता देता हूं कि यार करना कब है और कैसे। अब 3 मंथ आपके पास टोटल बचे, फरवरी को अगर मैं हटा दूं तो जनवरी, दिसंबर और नवंबर, अक्टूबर तो खत्म ही हो गया, तो 3 महीने बचे हैं। लेकिन अब 3 महीने में आपको खाली ये नहीं करना, अगर आप मैथ्स होगी आपके पास, फिजिक्स होगा, बायोलॉजी होगी, वो भी तो करने है। इसलिए मैं एक बहुत ही आपको ऐसे टाइम दूंगा ताकि आपको एक चैप्टर को इजीली कर पाओ और सब्जेक्ट को भी मैनेज कर पाओ। तो टाइम टेबल है यार, एक पहले मंथ में आपको जो पहला वीक रहेगा आप इसको फॉलो कर सकते हो 1 नवंबर से, तो भी चलेगा। वीक 1 के अंदर आपको बायो मॉलिक्यूल्स और DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, यार ये ना एक दिमाग होता है जो मैं स्मार्ट बच्चे होते हैं ना वो लगाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले वीक में बायो मॉलिक्यूल और DNF ब्लॉक एलिमेंट्स को करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि यार 7 और 8 15 नंबर, और ऐसे नंबर जो हर एक बंदा कर सकता है, जिसको ऑर्गेनिक का कुछ भी नहीं आता, जिसको केमिस्ट्री समझ नहीं आती, वो भी इन दोनों चैप्टर्स को करके धूम मचा सकता है। इतने नंबर, 15 नंबर, 2 दिन के अंदर आप बायो मॉलिक्यूल्स में 2 दिन लगाओ, पहले कार्बोहाइड्रेट्स कर लो, प्रोटीन्स कर लो, ठीक है, लास्ट में विटामिन्स और आपका जो RNA DNA वाला पार्ट है उसको भी आप कर सकते हो। बायो मॉलिक्यूल्स का मैंने वन शॉट डाला हुआ है, उसके थ्रू आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। DNF का वन शॉट भी डाला हुआ है कंप्लीट, जिसमें पूरा 1 घंटे के अंदर सब कराया हुआ है,
और साथ में इसका एक शॉर्ट मतलब रिवीजन वाला एक बनाया हुआ वीडियो, दोनों देख लेते हो, डीएनएफ डन है भाई, डन है, ठीक है। तो डीएनएफ का आप वहां से कर सकते हो। तो डीएनएफ को और बायोमोलिक्यूल्स को, बायोमोलिक्यूल्स को 2 दिन देना, डीएनएफ को 3 दिन देना, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा चीजें हैं, लर्निंग में टाइम लगता है। फिर रिवीजन आपको 2 दिन देने, तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ये 2 चैप्टर मतलब 1 हफ्ते में 15 नंबर डन। दूसरा जो वीक आता है उसके अंदर आपको मैंने दिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हेलो एल्केन्स और हेलो ओरिन्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी 1 शॉट मैंने डाला हुआ है, आप वहां से भी उसको देख के आप अपनी हेल्प ले सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यार आपको 3 दिन लगाने हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको 3 दिन कैसे लगाने हैं, पहला आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट रहेगा, दूसरा आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट रहेगा, और तीसरा आपका थ्योरी वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। तो 3 दिन आपको इसमें लगाने, हेलो एल्केन्स में भी 3 दिन लगाने, क्योंकि ये पहला चैप्टर होता है। अब हेलो एल्केन्स और हेलो ओरिन्स के अंदर आपको ना SN1 SN2 रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की PDF है, इसकी भी आप हेल्प ले सकते हो। और उसके बाद नेमिंग रिएक्शन, स्वार्ट्स, फिंकलस्टीन, और एक आपका चार्ट होगा जो मैंने करवाया भी हुआ है, ऑर्गेनिक वाली प्लेलिस्ट में देख लेना। तो 3 दिन में आप इसको कर लेना, 3 दिन में इसको कर लेना, 1 दिन रिवीजन का देना। वीक 2 में 15 15 कितने 30 नंबर डन हो गए। करना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया था, कैसे करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT के क्वेश्चंस को करना होता है, पीछे के जो भी क्वेश्चंस है उनको करो, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आता भाई। NCERT ऑर्गेनिक में NCERT के क्वेश्चंस को करना है, इनऑर्गेनिक में रीडिंग करनी है, और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करना है। अब आ जाता है वीक 3 पे। वीक 3 में आपको सॉल्यूशन और एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर उठाना है। दोनों के मार्क्स मिलाओगे 13 मार्क्स आपको मिल रहे हैं 3rd वीक में। 2 दिन आपको सॉल्यूशन में लगाने, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में लगाओगे टाइम स्टार्टिंग में, कंसेंट्रेशन वाली टर्म्स में लगा लेना, मोलैरिटी नॉर्मैलिटी वाली में हो जाएगा इजीली। एल्कोहल फिनोल 3 दिन इसलिए दे रहा हूं, 1 दिन नेमिंग रिएक्शन में लगाना, 1 दिन अपना आपका मैकेनिज्म्स में लगा लेना, और 3rd दिन अपना नेमिंग रिएक्शन वगैरह में लगा लेना, ठीक है। बाकी आप नेक्स्ट मंथ मेरा वो तो आ ही रहा है कोर्स, आप उसको ले लोगे ना, तो ऑर्गेनिक की तो टेंशन नहीं खत्म है भाई, ठीक है। वीक 3 में आपके ये 2 चैप्टर रहेंगे। और भाई देखो, 2 दिन इसमें दिए, 3 दिन इसमें दिए, 2 दिन बच गए हफ्ते के, उसमें रिवीजन करनी है दोनों की। रिवीजन के अंदर जो भी चीजें आपने पढ़ी है उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करके रिवाइज करना है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप रिवीजन के अंदर लगा सकते हो। अब आया था वीक 4। वीक 4 के अंदर आपको एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक करना है, जिसको आपको 3 दिन देने हैं। एल्डिहाइड को 3, कीटोन को 3, और कार्बोक्सिलिक एसिड को, मतलब कि एक एक दिन देना है, एल्डिहाइड को 1, कीटोन को 1, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी 1 दिन। तो इस तरह से 8 मार्क्स का सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये वाला, और बायोमोलिक्यूल। उसके अलावा केमिकल काइनेटिक को भी 3 दिन देने हैं, इसमें भी आपके 15 मार्क्स आपको 4th वीक में मिल रहे होंगे। तो ये दोनों चैप्टर थोड़े से आपका ना टिपिकल होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स में मैंने तो ऐसे नोट्स बना दिए, ये पानी बन जाएगा ये। और इसका मैंने 1 शॉट भी डाला हुआ है एल्डिहाइड कीटोन्स का, वो भी देख लोगे। लास्ट ईयर मैंने पेपर से 2 दिन पहले डाला था, तो भी बहुत सारे बच्चों की हेल्प हुई थी उससे, तो 1 शॉट भी देख लेना है। केमिकल काइनेटिक 7 मार्क्स का आता है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी से क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसमें पीछे कोलिजन थ्योरी से क्वेश्चन फिक्स रहता है, और फर्स्ट ऑर्डर जो आपका 0 ऑर्डर है इनके ग्राफ से, ठीक है। मैंने वैसे तो अपने नोट्स में बहुत अच्छे से इंक्लूड करा हुआ है, अगर आप वो 49 रुपीज में ले लेते हो ना तो काम बन जाएगा आपका। तो 3 दिन इस पे लगाना, 4th वीक में आपका आधे से ज्यादा खत्म हो जाता है। 5th वीक के अंदर आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन और अमीन्स। कोऑर्डिनेशन के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, 3 ही तो थ्योरी है, वर्नर्स, VBT, CFT, ठीक है। और इन तीनों थ्योरीज को मैंने अच्छे से कराया हुआ है, आप वीडियो देख लेना, वो भी आपको कोऑर्डिनेशन के अलग से प्लेलिस्ट होगी उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा IUPAC नेमिंग और आइसोमेरिज्म भी है इसका पार्ट, ठीक है। तो 2.5 दिन कोऑर्डिनेशन में, 2.5 दिन अमीन्स में, 5 दिन में हो जाएगा, 2 दिन आपको रिवीजन के देने हैं इसको। रिवीजन के अंदर आप रिवीजन के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेना, तो अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। तो यार देखो, 5 वीक के अंदर आपका ये सारा हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक सिस्टमेटिक रिवीजन करनी है इन सभी जो भी आपने कर लिया ना। क्योंकि यार आपने लास्ट वीक में आप कोऑर्डिनेशन पे आ गया, 1st वीक वाला बायोमोलिक्यूल्स भूल गए हो, तो आपने, मैंने आप लोगों के लिए रिवीजन नोट्स भी बना रखे पूरे सारे चैप्टर्स के, एक एक पेज के अंदर, एक पेज के अंदर, 2 पेज के अंदर आपका पूरा चैप्टर रिवीजन नोट्स जो लास्ट ईयर बच्चों ने लिए थे और बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी उनकी। रिवीजन नोट्स की कॉस्ट 199 है, अगर आप लेना चाहो तो उसको ले सकते हो, जिसके अंदर आपको कलरफुल तरीके से रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स के, ठीक है। तो उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो, खुद भी बना सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा यार आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीक रहेगा उसके अंदर आप न्यूमेरिकल्स में किसी टॉपिक में अटक रहे हो, आपको कोई सी थ्योरी में दिक्कत हो CFT VBT में, उसको रिवाइज करो, मतलब उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जो आपका वीक पोर्शन है। ऑर्गेनिक में कोई चीज वीक है, मैकेनिज्म वीक है, नेमिंग रिएक्शन वीक है, कन्वर्जेंस वीक है, तो उस पे फोकस करना है आपको, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वाला वीक आएगा ना, वीक आपका वीक हमने 5th तक यहां करा, वीक 6 में आपको क्या करना है, इन सबको रिवाइज करना है। वीक 7 में आपको अपने वीक टॉपिक्स को उठाना है, और जो वीक 8 आएगा उसके अंदर आपको
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उनको लगाना है। तो इस तरीके से आपको आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल बढ़िया से खत्म हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो फिजिक्स बायोलॉजी पे टॉपर्स की स्ट्रेटेजी आए या सेम भयंकर स्ट्रेटेजी आए तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इतनी मेहनत करते हो और आप बस शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि अब क्यों करना है शेयर ये भी मैं आपको बता देता हूं। आने वाले टाइम पे आपके लिए वन शॉट्स आने वाले हैं, फिजिक्स के लिए स्ट्रेटजीज आने वाली हैं, नोट्स आने वाले हैं और लास्ट टाइम पे मैं एक ऐसा, ये चैनल आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा ना, क्योंकि हम ना केवल आपको केस स्टडी करवाते हैं, आपको लास्ट टाइम के अंदर कैसे शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आपको ऑर्गेनिक की ट्रिक्स भी आएंगी, इनऑर्गेनिक की भी आएंगी, फिजिक्स के लिए बहुत मटेरियल आपके बोर्ड्स तक और सीयूईटी तक आने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।